खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गोरखपुर एवं दवा विक्रेता समिति के तत्वावधान में टाउन हॉल स्थित भालोटिया कैंपस में लाइसेंस एवं पंजीकरण हेतु खाद्य कारोबारकर्ताओं का जागरूकता का दो दिवसीय कैंप लगाया गया, जिसके संबंध में फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने बताया कि जो फूड सप्लीमेंट बेच रहे मेडिकल स्टोर के दुकानदारों के लिए यहाँ पंजीकरण कैंप लगाकर किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल स्टोर का 12 लाख सालाना से अधिक टर्नओवर है उनकी वार्षिक शुल्क 2000 रुपये है और जिनका 12 लाख सालाना टर्नओवर से कम है उनके लिए वार्षिक शुल्क मात्र 100 रुपया है। आवेदन करने के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी, बिजली बिल की फोटोकॉपी या ड्रग लाइसेंस की कॉपी लगेगी। वहीं दवा विक्रेता के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार विक्रेता नहीं लिखा हुआ है ना वहीं दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार खाद्य विभाग द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी लोग जागरूक किया गया है कि पंजीकृत रहें, सबका जीएसटी फूड ड्रग में लाइसेंस में समाहित हो जाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को 10 लाइसेंस और 76 पंजीकरण और दूसरे दिन 7 लाइसेंस 73 पंजीकरण हुआ। इस कैंप के माध्यम से काफ़ी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लाइसेंस बना और व्यापारियों को सुविधा भी मिली। इस अवसर पर फूड सेफ्टी ऑफिसर अनिल कुमार सिंह, अरुण कुमार शुक्ला, नथु कुशवाहा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस कैंप के बारे में गोरखपुर न्यूज़ को फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर प्रतिमा त्रिपाठी ने विस्तृत जानकारी दी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने कहा, ठीक है आप दोनों तरफ करो, मुझे फोटो काफी फोटो बनाए हैं, फोटो काफी कराना लगी है तो जी एस टी नंबर जी एस टी नहीं है, आप इसकी दोनों तरफ का फोटो का दुकान का पूरा पता, फर्म का नाम, प्रोपराइटर कौन है, उसके पिता का नाम कहाँ पे है, वो काफी आने के साथ जो आधार कार्ड में है इसका पूरा पता, पूरा आप सिर लाख है रजिस्ट्रेशन आए हैं, अभी अभी आ ही रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग फूड सप्लीमेंट्स बेचते हैं मेडिकल स्टोर के लिए। कितने आवेदन आ चुके हैं, किस तरह का आवेदन किया जा रहा है अभी तक? आज 37 आए हैं और कल 76 रजिस्ट्रेशन और 10 लाइसेंस आए थे। ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद उनको तो उनके मौके पर जाना पड़ा था। किस तरह का शुल्क लिया जा रहा है और कितना शुल्क लिया जा रहा है? इसके लिए दो तरह के हैं, एक तो अप टू 12 लाख, जिनका 12 लाख तक का टर्नओवर है उनकी एक साल की फीस, 12 लाख से ऊपर की है उनकी एक साल की फीस 2000 रुपये है। मैक्सिमम 5 साल तक के लिए आवेदन करा सकते हैं, तो 5 ईयर्स तक का आवेदन जो कराना चाह रहे हैं उनको 5 ईयर की फीस वाला ऊपर वाला है कि नीचे वाला? नाम बताइए। मेरा नाम है योगेंद्र नाथ दुबे, दवा विक्रेता समिति
गोरखपुर का अध्यक्ष हूँ और प्रदेश के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट का प्रदेश प्रवक्ता और जनसंपर्क अधिकारी हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने जो 100 दिन का कार्य योजना बनाया था कि प्रदेश में जो है उसमें दवा व्यापारियों के लिए भी खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके तहत हम लोग खाद्य अधिकारी से मिले और उन लोगों ने फूड इंस्पेक्टर जितने थे सबको भेजा भालूटिया मार्केट में और एक निर्धारित हुआ कि एक कैंप लगा दिया जाए जिससे जो शहर के या जनपद के अन्य लोग हैं एक जागरूकता आएगी और जिन लोगों का भी लाइसेंस फूड का नहीं बन पाया वो लाइसेंस बनवा लेंगे और पंजीकरण करवा लेंगे। इसी के तहत 1 और 2 जून का समय निर्धारित हुआ था। कल भी अधिकारी लोग आए थे फूड के, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है अनिल कुमार सिंह जी आए थे, अरुण कुमार शुक्ला जी थे, प्रतिभा त्रिपाठी जी थी, नथु कुशवाहा जी, ये आज भी लोग आए हुए हैं और कल भी आए थे। कल जो है हमारे यहाँ लाइसेंस 10 लाइसेंस बना है और 76 पंजीकरण हुआ है। आज 7 लाइसेंस बना है और 73 पंजीकरण हुआ है। तो एक लोगों में क्या हुआ है कि जागरूकता भी आया है कि नई लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है और लोगों ने लाइसेंस बनवाया है, जिससे सरकार की जो मंशा है कि सभी लोग पंजीकृत रहें, सबका GST में, फूड में, ड्रग में जिसका जो लाइसेंस है वो सभी लोग समाहित हो जाएं, क्योंकि जब सब लोग आएंगे उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, बिलों। आजकल तो कंपनियां क्या कर रही हैं, जब तक फूड या ड्रग का हमारा लाइसेंस नहीं है तब तक वो इनवाइसिंग भी नहीं कर रही हैं। तो जो एक मोदी सरकार या योगी सरकार की योजनाएं हैं कि नहीं सभी लोग सिस्टम में आ जाएं और सिस्टम के तहत कार्य करें और कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, जब हम लाइसेंस से खरीदेंगे और बेचेंगे तो निश्चित रूप से सही प्रकार के गुड्स खरीदेंगे और सही प्रकार के गुड्स बेचेंगे और जो पब्लिक फूड का या ड्रग का हमारा लाइसेंस है जब वो फूड प्रोडक्ट बिकेगा जो बिल से आएगा वो निश्चित रूप से सही होगा, तो लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। इसी के मद्देनज़र ये कैंप लगवाया गया था 1 और 2 जून को और काफ़ी व्यापारियों का इसमें रजिस्ट्रेशन भी हुआ, लाइसेंस भी बना, विभाग का सहयोग जो बहुत अच्छा रहा है और व्यापारियों को बहुत सुविधा मिली है। हमारे बहुत सारे व्यापारी इससे बहुत खुश हुए हैं क्योंकि व्यापारियों को कई बार क्या होता है विभाग का चक्कर लगाना पड़ता है, अधिकारी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, यहाँ एक जगह कैंप लग गया तो सारे व्यापारी आसानी से प्रपत्र लेके आए और सबका जिनका जिनका अपलोड होता गया ये लोग यहीं पे जारी करते गए, एक दिन में लाइसेंस और रिन्यूअल मिल गया। तो इस तरीके से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को, अपने व्यापारियों को और अधिकारियों को कि सब लोग सिस्टम में आके और सुचारू रूप से कार्य करना चाहें।